हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे आर नॉलेज सेशन। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाया हूँ घटना चक्र पूर्वावलोकन 2023 समान भूगोल लेक्चर नंबर 27, जिसमें हम करेंगे 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न। और सबका अगर आपको देखना है वीडियो तो सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सारे सब्जेक्ट के जाइए, देखिए, इंजॉय करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि एग्जाम तो बहुत नजदीक है। और इस तरह की मैं फालतू बहस नहीं करूंगी, ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग को पता होगा अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो। और नहीं है तो भाई नहीं पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का ये रिवीजन है, PYQ है, एक्सप्लेनेशन से। तो आज हम करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर। तो इटली की राजधानी रोम है यह नगर कौन सी नदी किनारे है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। स्प्री नदी हावेल की सहायक नदी है। स्प्री के तट पर जर्मनी का बर्लिन अवस्थित है। सीन नदी उत्तरी फ्रांस में प्रवाहित होती है। फ्रांस की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर बहती है। मेंजेनरेस नदी जो है स्पेन की एक प्रमुख नदी है, जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड से होकर प्रवाहित होती है। और मेंजेरेंस जो है स्पेन की एक प्रमुख नदी, जो स्पेन की राजधानी मैड्रिड से होकर प्रवाहित होती है। पोटोमैक नदी जो है दक्षिण पश्चिम मेरीलैंड से प्रवाहित होकर वाशिंगटन DC तथा उससे आगे जाकर जेसा पीके खाड़ी में गिरती है। हुआंग पाओ नदी जो है संघाई चीन में प्रवाहित होती है। संघाई शहर पीने के पानी का अधिकांश भाग इसी नदी से प्राप्त करता है। यह नदी संघाई को दो भागों, पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में विभाजित करती है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, जो मेनाम नदी के किनारे पर स्थित है। नेमापेन जो कम्बोडिया की राजधानी है, नगर मेकांग नदी के किनारे स्थित है। हनोई वियतनाम की राजधानी तथा लाल नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यांगून म्यांमार की पूर्व राजधानी थी। यह नगर म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब यूरोप की प्रमुख नदी है। इस नदी पर स्थित मुख्य नगर है वियना, ब्रातिस्लावा और बुडापेस्ट और बेलग्रेड है। नदियों किनारे स्थित विश्व के प्रमुख शहर है, देश है, शहर है, नदी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क में हडसन है नदी है, और पाकिस्तान लाहौर में रावी नदी है, और मिस्र काहिरा में नील नदी है, और सूडान खार्तूम में नील नदी है, और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ स्वान नदी है, मतलब स्वान नदी के किनारे स्थित है, और जर्मनी हैम्बर्ग एल्ब नदी किनारे स्थित है। यूक्रेन स्कीव जो है नीपर नदी किनारे है। नीदरलैंड रॉटरडैम जो है राइन नदी किनारे है। कनाडा जो है क्यूबेक सिटी है। सेंट लॉरेंस नदी किनारे। पोलैंड वार्सा विस्टुला नदी के किनारे है। सर्बिया बेलग्रेड डेन्यूब के किनारे है। और इराक बगदाद जो है टिग्रिस के किनारे है। पाकिस्तान कराची सिंधु किनारे है। और यूनाइटेड किंगडम लंदन जो है टेम्स नदी किनारे है। और इराक बसरा शहर सत अल अरब के किनारे है। संयुक्त राज्य अमेरिका न्यू ऑर्लियंस मिसिसिपी किनारे है। मिस्र अस्वान नील नदी किनारे है। जापान टोक्यो सुमिदा नदी एवं अराकावा नदी की सुमिदा नदी की मुख्य वितरिका है। पुर्तगाल लिस्बन टगस नदी किनारे। अमेरिका सेंट लुइस मिसिसिपी मिसौरी के संगम पर है। रूस मास्को मस्कावा पे है। और भारत नई दिल्ली यमुना नदी किनारे है। कांगो गणराज्य ब्राजावेली कांगो नदी किनारे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य किसानसा व कांगो के किनारे है। बांग्लादेश चटगांव कर्णफुली के किनारे है। और म्यांमार जो है रंगून इरावदी के किनारे है। रूस जो है वोल्गो ग्राड वोल्गा नदी किनारे है। जर्मनी ड्रेसडेन एल्ब नदी के किनारे है। और चीन का संघाई यांगसी एवं हुआंग पू के किनारे है। वेनेजुएला कारा का जो है गुएरे नदी किनारे है। रूस जो है सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी किनारे है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिस्टल एवॉन नदी किनारे। जर्मनी कोलोन राइन नदी किनारे। यूनाइटेड किंगडम लिवरपूल मर्सी नदी किनारे। यूनाइटेड किंगडम डुंडीटे के किनारे है। और तुर्की अंकारा जो है अंकारा नदी किनारे। जर्मनी बान जो है राइन नदी किनारे। कनाडा का ओटावा ओटावा नदी किनारे। चेक गणराज्य प्राड बल्तावा और आयरलैंड डल्बिन लीफे। और स्पेन मैड्रिड मेजेनेरेस और कनाडा का मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस ओटावा के संगम पर है। और माली बोमाको नाइजर के किनारे है। नाइजर नियामी नाइजर और बेल्जियम एंटवर्प सेल्थ के किनारे हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सेल्थ अल अरब कहाँ पर है, कौन से शहर के किनारे है? तो ये है बसरा, बसरा इराक। परागवे जो है ये पर है, अंसनसियन परागवे पे है, अंसनसियन परागवे में है। और नाइजर जो है नियामी, नाइजर नियामी डेन्यूब वियना, तो हो जाएगा ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रिया। पेरिस जो है, पेरिस कौन से नदी किनारे है?
तो पेरिस फ्रांस, ये सीन नदी किनारे है। किसानसा जो है, किसानसा ये है जायरे कांगो के। बैंकॉक जो है, बैंकॉक है चायो फ्रायो के किनारे, चायो फ्रायो करो। और है अंसनसियान पराग्वे किनारे। तो आप सुनोगे सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील, और न्यूयॉर्क हडसन, और बर्लिन स्प्री, और सिडनी सीन के किनारे। नहीं, सीडर सीन तो फ्रांस से पेरिस के किनारे है। तो ठीक है, खार्तूम नील नदी, और बर्लिन स्प्री, और न्यूयॉर्क हडसन, ये मिलान करना है। तो वाशिंगटन डीसी, ये है पोटोमेक नदी, और बर्लिन जो है स्प्री नदी, और पेरिस जो है सीन नदी, और मेड्रिड जो है मेंजनेरेंस नदी। तो ऑप्शन हो गया डी। तो वाशिंगटन डीसी, पोटोमेक, बर्लिन स्प्री, और पेरिस सीन, और मेड्रिड मेंजनेरेंस। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो वह है पेरिस से होकर बहती है। पेरिस फ्रांस की राजधानी किनारे स्थित है, ये सीन नदी किनारे। और बर्लिन जो है, बर्लिन जर्मनी जो स्प्री नदी के किनारे है। और लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है। और टाइबर जो है रोम, रोम नदी किनारे। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुमेलित नहीं है? बर्लिन जो है राइन नदी किनारे, लंदन टेम्स के, लंदन टेम्स नदी किनारे है। सही है, बर्लिन जो है राइन नहीं, स्प्री नदी किनारे है। ठीक है, और न्यूयॉर्क हडसन, वियना जो है डेन्यूब किनारे। तो जर्मनी जो है वो स्प्री नदी के किनारे है। अगला है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बान, राइन नदी, कैरो जो है नील नदी, और इसमें वियना जो है ये वोल्गा नदी, ये सही है। तो राइन जो है, तो बान नदी राइन नदी किनारे, काहिरा नील नदी किनारे, न्यूयॉर्क हडसन किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे है। और सही युग्म कौन सा है इसमें? सही युग्म जो है वो है डी, बुडापेस्ट डेन्यूब। तो बुडापेस्ट डेन्यूब, पेरिस स्वान नदी, पर्थ सीन, और काहिरा कांगो, और बुडापेस्ट डेन्यूब। अगला है ओसोट, इनका तो नाटक होना ही होता है। ठीक है, चलिए। और सही युग्म कौन सा है? पेरिस स्वान, और पर्थ सीन, और काहिरा कांगो, बुडापेस्ट डेन्यूब। तो बुडापेस्ट जो है डेन्यूब नदी किनारे है, ये सही है। और काहिरा नील नदी, ये तो पड़ा। और निम्नलिखित में कौन सुमेलित सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है वो है हैम्बर्ग एल्बे नदी, ये सही है। बेलग्रेड डेन्यूब के किनारे है। और कीव जो है, कीव नीपर के किनारे, लाहौर रावी किनारे है। निम्न से कौन सा राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? तो रोम नहीं स्थित है, बाकी बुडापेस्ट, वियना, बेलग्रेड है। और तो निम्नलिखित में नगरों में से किस एक में हुआंगपू नदी बहती है? तो है संघाई में। अगला मिलान करना है, बैंकॉक में कौन सी नदी है? तो बैंकॉक में मेनाज चाओ, चाओ 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 पाओ पाओ, और नेम पेन कंबोडिया मेकांग, मेकांग मेकांग मेकांग। और हनोई में क्या है? लाल नदी, लाल नदी। और यांगो में इरावदी, 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 रंगून, गन। तो इस तरह याद करिए, कैसे भी याद करिए भाई, आपकी प्रॉब्लम है। ये मिलान करना है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। पोर्टो में क्या है? यूएसए में नील सुडान, नील सुडान, नील सुडान, नील सुडान, नील सुडान। टिग्रिस इराक, टिग्रिस इराक, टेम्स इंग्लैंड, टेम्स इंग्लैंड, टेम्स इंग्लैंड, टेम्स इंग्लैंड, टेम्स इंग्लैंड। ठीक है, और निम्नलिखित दिगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बेलग्रेड, बेलग्रेड डेन्यूब से, बेलग्रेड डेन्यूब, और लिस्बन टाइबर में नहीं है। टाइबर इटली की सबसे लंबी नदी है। तो लिस्बन इटली से, राजधानी रोम से होकर गुजरती है। अगला है लंदन, लंदन में कौन सी नदी है? टेम्स, लंदन टेम्स, एटवर्प, एटवर्प, एटवर्प हो जाएगा सेल्ट, और रॉटरडैम होगा आपका राइन, और हेम्बर्ट होगा, हेम्बर्ट होगा एल्व। तो हो गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पर देख लीजिए, लंदन टेम्स, एटवर्प सेल्ट, और लॉटरडैम राइन, और हेम्बर्ट जर्मनी एल्ब। रॉटरडैम का राइन, और पेरिस, पेरिस सीन, और बूडापेस्ट डेन्यूब, डेन्यूब, और वाशिंगटन पोटोमैक। तो ऑप्शन हो गया सी। खार्तूम, 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 खार्तूम नगर किस नदी किनारे है? तो नील नदी किनारे, ब्रोजो वेले, ब्रोजो वेले, ब्रोजो वेले जेरे, और रॉटरडैम, 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 रॉटरडैम राइन, पेरिस सीन, ऑप्शन ए। नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, तो ठीक है, करते हैं भाई। तो नदियां अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण तो कार्यों द्वारा अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक विभिन्न प्रकार के स्थल कृतियों का निर्माण करती हैं। वे इस प्रकार के महाखड्ड अथवा गर्ज उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जब नदी कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती है, तो इसका अधिकांश कार्य लंबवत अपरदन होता है। तो
इस कारण चट्टानों में बहुत सारे कट जाते हैं। तो जैसे चीसा पानी गज नेपाल में स्थित है, चीसा पानी नेपाल में कर्णाली नदी द्वारा होता है, इसका निर्माण कर्णाली नदी द्वारा था। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, इसमें तेज बहाव के कारण गार्जो का निर्माण करती है। कैनियन या गार्ज का विस्तृत रूप है ग्रांड कैनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोन प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। 25वीं आकार की घाटी जो होती है, विश्व की अधिकांश नदियों द्वारा चट्टानों में लंबवत कटाव तो पार्श्विक कटाव साथ साथ होता है। इन नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जल प्रपात, जब नदी का जल अचानक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो जल प्रपात कहलाता है। छिप्रिकाएं, जब नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल चट्टानों अनुप्रस्थ या लंबवत दिशा में स्थित होती है तो नदी की तलहटी उबड़ खाबड़ हो जाती है। इस ढाल पर नदी का जल तीव्र झोंके के से आगे बढ़ता है, जिसे छिप्रिका कहते हैं। तो ये सब है, चलिए क्वेश्चन करेंगे। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित में कौन सा गया होता है, सहारा समुद्र होता है। जहां नदी सागर मिलती है वहां यदि समुद्र गहरा होगा तो उपर्युक्त अन्य विकल्पों में से अपेक्षा डेल्टा का निर्माण ज्यादा प्रभावित होगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति बनती है, मिसिसिपी जो कि कहाँ की नदी है, ये है जब ये है अमेरिका की ना, मिसिसिपी नदी मैक्सिको खाड़ी में पंजे के पक्षी के आकार वाली डेल्टा बनाती है। ग्रैंड कैनियन क्या है, एक खग्ड है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है, जॉर्ज है। जीसा पानी गॉर्ज स्थित है तो वह है नेपाल में, जीसा पानी। चीसा पानी निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, कैनियन नदी और जुजन वायु है और ईसनबर्ग हिमनद है, तो ये गलत है। कैनियन का निर्माण नदियों द्वारा होता है, विकार की घाटी विस्तृत होती है जिनमें किनारे की दीवार अत्यंत बड़े ढाल वाली तथा चौड़ाई वाली गहराई वाली होती है। मोरेन का निर्माण हिमनद की निक्षेप जनित क्रिया द्वारा होता है, हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों को लेकर बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। तो ये पढ़ लीजिएगा। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में किस देश में स्थित है, तो वह स्थित है जापान में। अब द्वीप पढ़ेंगे, द्वीप 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 आइसलैंड। जिस स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो इतना है लगभग 2 लाख सॉरी 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है और नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। और क्या है, नूक की समुद्र से 1 से 3 मीटर तक ऊंचाई है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से टॉरेंस जल संधि द्वारा अलग होता है। इसका निर्माण कुल लगभग 7,85,753 वर्ग किलोमीटर। बोनिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जावा सागर के उत्तर में स्थित यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई में फैला है। इंडोनेशिया कालिमंतन क्षेत्र बोर्नियो द्वीप का अंग है। मालागासी मेडागासर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। तो यहाँ पर अब हम आपको दिखाएंगे, ये स्लावर्ड है, ये सेवरनाय जल जेमल्या है, ग्रीनलैंड है, फेरो द्वीप समूह है, आइसलैंड आयरलैंड है, ये जो द्वीप समूह है, बरमुडा है, बामास है, ब्यूटोरिको है, केप वर्डे है, त्रिनिदाद टोबैगो है, क्यूबा, जमैका, हवाई द्वीप समूह यहाँ पर है, और है सेसेल्स है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, गीसा है, डियागो है, गौरसिया है, सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो, न्यू गिनी है, सोलेमोन है, और वेनुआतु है, फीजी है, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप है, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप है, और कमचटका, होकेडो, होन्सु, सिकागो, क्यूशू, ताइवान, फिलीपींस, पाओ, न्यू गिनी, बोर्नियो, मजूली यहाँ पर है, सकोत्रा यहाँ पर है, साइप्रस, माल्टा, माल्टा द्वीप अभी न्यूज में था, बालवियारिक द्वीप समूह और एजोस द्वीप समूह, कितने सारे द्वीप समूह, बामास, प्यूर्टोरिको, तो सब देख लीजिए एक बार जूम करके। फाकलैंड द्वीप समूह यहाँ पर दिख रहा है। तो मेडागास्कर पूर्वी मॉरिशस तथा अफ्रीका की मुख्य भूमि में मोजाम्बिक देश अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है इतना है। और डियागो गार्सिया है, सब डियागो गार्सिया बहुत सारे द्वीप समूह है भाई। तो ठीक है एक बार देख लीजिए आप इसको पॉज करके। ठीक है मैं क्वेश्चन कराऊंगी। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, तो फैरो द्वीप को सीप द्वीप कहा जाता है। ठीक है फिर है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, तो सबसे बड़ा न्यूजीलैंड द्वीप समूह, तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। जावा कैसे कह, मैं न्यूजीलैंड द्वीप समूह देख सकते हैं ये भी पीछे 2015। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो संसार का ग्रीनलैंड है भाई। जिसका सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड न्यू गिनी ग्रीनलैंड का है। दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड का द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड का न्यू गिनी है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है,
तो नूक की समतल से ऊंचाई 3 मीटर है, ये सही है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो वह है डेनमार्क का। और निम्नलिखित द्वीप समूहों में से कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो वह है न्यू गिनी। बोर्निया विश्व की तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में 3 देशों में इंडोनेशिया ब्रुनेई में विभाजित है, सॉरी बोर्नियो है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो वह है बोर्नियो, क्षेत्रफल में बड़ा है यह। तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में बातें में से कौन सा सही है? 3 देशों में फैला सही है। इसके तो ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है भाई, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ हुई है। कालीमंतन द्वीप समूह का अंग है, वह है बोर्नियो का। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में। और ये देखा जाए तो ये दिया है नेमिंग 1 2 3 4, वैसे मुझे 1 2 3 4 ही नहीं कंप्लीट है, देख लीजिए यहाँ पे। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? तो ये जो सेशेल्स है ये मेडागास्कर के उत्तर में है। और ठीक है आगे बढ़िए, छोड़िए। निम्नलिखित में प्रशांत महासागर द्वीप में कौन सा मलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो वह है सोलोमन द्वीप। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो वह हिंद महासागर में। सुदूर उत्तर पश्चिम में आसी से लेकर पूर्व में टारस जलमंडल मध्य तक 5,000 मील तक, जो लगभग उतनी ही जितनी लंदन में बगदाद की है। उस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप है, इनमें से कुछ मात्रा विश्व क्षेत्रीय सहल है और कुछ अन्य विश्व के विशालतम द्वीप है। निम्न विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में उपयुक्त होते हैं? वेस्ट इंडीज, जापान। तो वेस्ट इंडीज, जापान इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है। अगला है 1 2 3 4, 1 है 2 है 3 है 4 है। स्थान में कौन कौन से द्वीप हैं? तो एजोर्स, वेरडेव, अंतरी, बहामास, फॉकलैंड है। कौन सा कथन सही नहीं है? फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। तो फॉकलैंड जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर के दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर अवस्थित है। अगला फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में उनकी बातों को देखिए कौन सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है, सही है। ये दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। प्रशांत सागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई। द्वीप अमेरिका राष्ट्र के पेरू का नहीं बल्कि इक्वाडोर का है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो वो है होन्सू। निम्नलिखित क्षेत्र की दृष्टि है जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्सू है। और जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का सही क्रम में लगाइए, इसमें कौन से क्रम में लगाना है? उत्तर से दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे। तो इसमें हो जाएगा होकाइडो, होन्सू, सिकोकू और क्यूसू। जापान के 4 द्वीप हैं, अनुक्रम है होकाइडो, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीप उत्तर से दक्षिण की दिशा में, वही सेम रिपीटेड, होकोसू, होन्सू, सिकोकू, क्यूसू। मकाओ द्वीप चीन को स्थानांतरण कब हुआ था? वो हुआ था 1999। मकाओ द्वीप समूह चीन को मुख्य भूमि से जुड़ा लंबी वार्ताओं के बाद समझौते के तहत पुर्तगाल ने द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंपा। बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वह है भूमध्य सागर में। बलियारिक द्वीप समूह जो है पश्चिम भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है, स्पेन का स्वायत्त प्रभाव है। और किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो है ब्रह्मपुत्र पर। मजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी द्वीपीय तंत्र है। निम्न से कौन सा एक द्वीप समूह द्वीपीय महाद्वीप है? तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक द्वीपीय महाद्वीप है। यह आकार की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ग्रेनाडा अवस्थित है, तो कैरेबियन सागर में है। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित द्वीपीय देश है। और निम्नलिखित देश में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो वह है सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप अटलांटिक महासागर कैरेबियन सागर में अवस्थित है। 1493 में कोलंबस यहाँ यात्रा की और इसका नाम सेंट मार्टिन ऑफ टूर्स के मान में रखा। इस द्वीप की दक्षिण हिस्से में तटीय लैगून और नमक पैन है जो बहुत प्रसिद्ध है। यह द्वीप अपने लवण पटल संसाधन के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो वह है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में लगभग 17,508 द्वीप है और फिलीपींस में 7,641 है, मालदीव में 1,192 है, क्यूबा में 4,195 है। अगला है सकोत्रा। सकोत्रा द्वीप संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है, तो ये गलत है। सकोत्रा द्वीप समूह द्वीप जो हिंद महासागर के अरब सागर में लगे अदन की खाड़ी के पास अवस्थित है। यह अमन शासित प्रदेश है तथा 2008 में से यूनेस्को का विश्व विरासत में शामिल किया गया था। तो ये तो गलत है। 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व का प्राकृतिक विरासत तस्वीर में घोषित हुआ, सही है। इंडोनेशिया के द्वीप समूह के पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है सुमात्रा, जावा, बाली और लोमबोक।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो मडीरा। मडीरा पुर्तगाल के दो सहायक क्षेत्रों में एक है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जो ग्रेनाडा और कैरेबियन सागर में अवस्थित द्वीपीय शेष, जबकि एंगुइला एक मोंटसेराट कैरेबियन सागर में अवस्थित ब्रिटिश उत्तर पारी क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो वह है तीनियन। अगला है, अगला है, अगला है झीलों एवं जल प्रवाह। झील। सामान्य रूप से झील भूतल के विस्तृत गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। इस प्रकार झीलें स्थल के आंतरिक भाग में स्थित जल पूर्त गर्त होती हैं। संसार की प्रमुख झीलों में कैस्पियन सागर, चार्ड झील संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की ब्रेतन झीलें, सुपेरियर ह्यूरॉन, ईरी और ओंटेरियो, विक्टोरिया झील, अरब सागर, न्यासा झील, बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, टीटिकाका झील, मृत सागर क्रेटर झील आदि अधिक महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील यूरेशिया कैस्पियन सागर झील है। इसका विस्तार 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह खारे पानी की झील है। इसके उत्तरी भाग में यूरान एवं वल्गा नदियां गिरती हैं। इसके दक्षिण भाग में स्थित काराबुगास की खाड़ी में लगभग 300 से 3500 मतलब 350 लोअरता पाई जाती है। महान झीलों की बात करें, ग्रेट लेक उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, जो कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थित महान झीलों में से एक है। और तकनीकी रूप से हिरान मिशिगन एक झील है। यदि यह माना जाए तो सतह के क्षेत्र पर सुपीरियर झील विश्व के दूसरे स्थान ताजे पानी की झील होगी। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील रूस में साइबेरिया में गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, और इसकी अधिकतम गहराई जो है 1,642 मीटर है। यह झील जो 25 मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी विश्व की प्राचीनतम झील। बैकाल झील में रहने वाले देशज इपिचूरा क्रस्टेशियन झील के जल को सतत फिल्टर करते रहते हैं। इस कारण बैकाल झील को पवित्र सागर कहते हैं। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके अलावा यह विश्व की लंबी झील पानी की झील है। टिटिकाका पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसकी गहराई 280 मीटर है। विश्व का सबसे ऊंची एवं बड़ी नोगम में झील है। नए खोज के अनुसार नेपाल के मेनांग जिले में स्थित कजिन सारा झील को विश्व की सबसे ऊंची झील माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर से अधिक बताई जा रही। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा एवं केन्या के मध्य अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 6,69,930 किलो वर्ग किलोमीटर है। औसत गहराई जो 40 मीटर है। मृत सागर जहाँ अर्दन और इसराइल फिलिस्तीन भूभाग पर स्थित, इसकी औसत ऊंचाई 120 मीटर है। विश्व की सबसे नीची झील है। अरल सागर खारे पानी की झील जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। समिंदर सिंह द्वारा लिखित पुस्तक, तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ देखेंगे हम। साफ पानी की सबसे बड़ी झील आयतन की दृष्टि से बैकाल है। रूस के क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस बैकाल झील एवं सतह के क्षेत्रफल की आयतन की दृष्टि बैकाल और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि सुपीरियर झील है। और खारे पानी की झील ये कैस्पियन सागर रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान आयतन एवं सतह के क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टियों में है और बड़ी खारे पानी की बड़ी झील है कैस्पियन। और सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। सबसे नीची झील जो है मृत सागर जॉर्डन इजराइल वेस्ट बैंक में है। विश्व की सबसे ऊंची झील ओजोस डेल जो सालाडो अर्जेंटीना चिली में है। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका पेरू बोलिविया में। लैगून की बात करें तो जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की टंगानिका झील है, एशिया की बैकाल है, यूरोप की लडोगा है, उत्तरी अमेरिका की सुपेरियर है। अफ्रीका की टंगानिका, एशिया की बैकाल और यूरोप की लडोगा और अमेरिका की सुपीरियर है। महाद्वीप की सबसे गहरी झीलें हैं अफ्रीका की टंगानिका, एशिया की बैकाल, यूरोप की होरनिंदस्वातनेत और उत्तरी अमेरिका की ग्रेट स्लो। अगला है दक्षिण अमेरिका की ओ हिंगिंग सैन मार्टिन और अंटार्कटिका की वोस्टोव है। ऑस्ट्रेलिया की सेंट क्लेयर है। जल के आयतन की दृष्टि से विश्व के 5 झील कौन सी है? आयतन की दृष्टि कैस्पियन, बैकाल, टंगानिका, सुपीरियर, मलावी। और सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि कैस्पियन, सुपीरियर, विक्टोरिया, हिरान, मिशिगन है। विश्व की 5 सबसे गहरी झील है बैकाल, टंगानिका, कैस्पियन सागर, वोस्टोक है और हिंगिंग्स और सैन मार्टिन। महाद्वीप की सबसे बड़ी झीलें हैं एशिया की कैस्पियन सागर, अफ्रीका की विक्टोरिया झील, ऑस्ट्रेलिया की आयर, यूरोप की लडोगा और उत्तरी अमेरिका सुपीरियर झील और दक्षिण अमेरिका टिटिकाका झील और अंटार्कटिका की वोस्टोक झील। तो ठीक है, महान झील झील प्रदेश एवं झीलों पर स्थित प्रमुख नगर। तो सुपीरियर झील कहाँ पर है? नगर है
थंडर बे कनाडा का, डुलूथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, मिशिगन है शिकागो में संयुक्त राज्य अमेरिका के, नगर किनारे हुरान जो झील है वो सर्निया एवं बेसिट संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ईरी जो टोरंटो क्लीवलैंड एंड बेफेलो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओंटेरियो टोरंटो एवं हैमिल्टन कनाडा में है। विश्व की प्रमुख झीलें हैं लदोग यहाँ पे है, साइमा है, ओनेगा है, काला सागर है, ओम से बैकाल है, बर्फ सागर, अरल सागर, कैस्पियन सागर, फाइर फ्लावर और आयर फ्रोम या ऑस्ट्रेलिया की, उर्मिया, विक्टोरिया, न्यासा, टंगानिका, चार्ड, मृत सागर, और यहाँ पर मिर चिक्रीटा और टीटीकाका, रेड लैगून और बॉयलिंग, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरान, और यहाँ पर है ग्रेट बियर, स्लेव और रेंडेवियर और विनिपेग, सुपीरियर, मिशिगन, यहाँ पर ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। विश्व के झीलें हैं और संबंधित देश हैं, कैस्पियन सागर कहाँ पर, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान, अजरबैजान, सुपीरियर है कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ह्यूरान है कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ईरे भी कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका, ओंटेरियो भी है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और ग्रेट स्लो, ग्रेट बियर, रेंडियर, विनिपेग, अथाबास्का, मानिटोबा और बेनिपेगोसी से कनाडा में है, बैकाल, लदोगा, ओनेगा रूस में है, बलखास जो कजाकिस्तान में, अरल जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में है, विक्टोरिया युगांडा केन्या तंजानिया में है, और टंगानिका बरुंडी तंजानिया जाम्बिया कांगो और लोकतांत्रिक गणराज्य में है, मलावी न्यासा जो मलावी मोजाम्बिक तंजानिया में, टीटी काका बोलविया रिबेरो में है, टाना जो इथियोपिया में है, और तुर्काना रुडोल्फ जो है केन्या इथियोपिया में, मवेरू जो जाम्बिया कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, अल्बर्ट जो युगांडा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, निकारगुआ जो निकारगुआ में, मरा कैबो को है वेनेजुएला में, मृत सागर जो जार्डन इजराइल, वेस्ट बैंक में, चार्ड नाइजर नाइजीरिया, चार्ड कैमरून में, इस्तिक ककुल कहाँ पर, किर्गिस्तान में, उर्मिया जो ईरान में, साइमा जो फिनलैंड में, बेनेर जो है स्वीडन में, वान जो तुर्की में है, आयर मैके गार्डन एमाइडेस ऑस्ट्रेलिया में, पोयांग ताई किंघाई ये कहाँ पर, चीन में, रेड लेगून बोलिविया में है, जल प्रपात है बहुत सारे, तो ये हम सब करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू। पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई, तो वह है लेक फागू बीन, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, पश्चिम अफ्रीका के माली में स्थित लेक फागू बीन सूख कर मरुस्थल में बदल गई है, करंट का न्यूज था। तो बलखास, बलकास कहाँ पर है, ये कजाकिस्तान में है, टीटी काका बोलविया पेरू में है, और इरी जो है कहाँ पर है, ईरी यूएसए कनाडा में, बैकाल यूक्रेन में नहीं है, रूस में है, इसमें से यही सम्मिलित नहीं है। बलकास किस झील निम्नलिखित में किस में स्थित है, तो बलकास वह कजाकिस्तान में, बलकास झील कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है, तो नियाग्रा जो है ओंटेरियो झील और ईरी झील के बीच में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा लंबी झील है, तो वह टंगानिका झील, टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे लंबी झील है, इसके अलावा यह विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है, प्रश्न में स्पष्ट नहीं किया गया कि यह सबसे लंबी ताजे पानी की झील है, इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो वह है बियर, ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की झील का समूह है, इसमें शामिल झीलें हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरान, ईरी, ओंटेरियो, बियर, इनमें शामिल नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, तो उसका ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरान, मिशिगन, सुपीरियर है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है, तो वह है मिशिगन झील। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो मिशिगन है, और दिए गए कूट में झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अरोही क्रम में लगाना, तो सबसे बड़ा होगा सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, बैकॉल, ग्रेट बियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सुपीरियर की है लगभग 82,097 और 68,870 विक्टोरिया की है, 31,500 बैकाल की, ग्रेट बियर की है 31,153। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है, तो लेक सुपीरियर है। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है, तो बैकाल झील ये है। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी सबसे गहरी झील, तो बैकाल झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी, दुनिया की बैकाल झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर कैस्पियन सागर है, ठीक है। प्रसिद्ध अंगुलियोनिमा झील किस क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो अंगुलियोनिमा संयुक्त राज्य अमेरिका में, अंगुलियोनिमा झील छोटी छोटी झीलों की श्रृंखला है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क के क्षेत्र में स्थित है। फिर नेक्स्ट, निम्न से किस
किसे झीलों की भाटिया कहते हैं? तो फिनलैंड को झीलों की भाटिया कहते हैं। निम्नलिखित किसे 1,000 झीलों का देश कहा जाता है? तो कहा जाता है फिनलैंड को। निम्नलिखित गुफाओं में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बॉयलिंग झील, डोमिनिका, फाइव फ्लावर झील मंगोलिया, रेड लैगून बोलिविया, ग्रेट स्लेव झील कनाडा। तो ये जो होगा ये होगा आपका सुमेलित बी नहीं है। फाइव फ्लावर झील जो है ये है सिचुआन चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो वह नगर है बफेलो। सुपीरियर झील के किनारे स्थित शहरों में दूसरा सबसे बड़ा शहर है डुलोथ है, फिर बफेलो। सारे डुलूथ की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उर्मिया झील ईरान, ये सुमेलित नहीं है। टीटिकाका बोलिविया पेरू में, उर्मिया ईरान में है, रेंडियर कनाडा में, अथाबास्का झील कनाडा में है। संसार का सबसे ऊंचा उसे जलप्रपात कौन सा है? तो वह है सार्टो एंजेल। सार्टो एंजेल जो है यह एंजेल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई लगभग 969 मीटर है, यह प्रपात वेनेजुएला के कैनाम नेशनल पार्क में चुरून नदी पर स्थित है। चुरून रियो कैरोन की सहायक नदी है। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में स्थित है? तो वह है एंजेल प्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है? तो वह है जम्बेजी। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित पत्थर में से कौन सा सही है? झील चार देशों से घिरी है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। तो इसमें जो है केवल दूसरा है, ये अफ्रीकी भ्रंश घाटी में है। तो अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील है, तीन देशों में है, तंजानिया, युगांडा, केन्या में मध्य में स्थित है। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है, नील नदी झील इससे निकलती है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व की धरोहर स्थल है? तो वह क्रोएशिया की प्लिटविस झील। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला नहीं है, एंजल्स जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका है। और है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बैकाल जो है रशियन फेडरेशन में सही है, मलावी एशिया में नहीं है, मलावी अफ्रीका में है, ये गलत है। कैस्पियन सागर एशिया में है, टंगानिका अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया, सूख गया? तो वह सूख गया आपका अरल सागर। अब है जल मंडरू मध्य, ठीक है। तो जल मंडरू मध्य जो है ये है दो विभिन्न जलराशियों को जोड़ती है, मतलब दो विभिन्न जलराशियों को जोड़ती है। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को बेरिंग जलमंडल मध्य अलग करती है। और इस तरह से बहुत सारे जलमंडल मध्य के बारे में बात की गई है चार्ट में, या इसको याद कर लीजिए, रट डालिए। मलक्का सागर है, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, इसकी अवस्थिति इंडोनेशिया मलेशिया में है। और सुंडा जो है जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है, इंडोनेशिया अवस्थिति है। युकाटान मैक्सिको एवं करेबियन सागर में, मैक्सिको है क्यूबा। ओट्रांटो जो है एडियाटिक सागर और ओयोनियन सागर इटली और अल्बानिया। बाब अल मंदेब लाल सागर में, मदन की खाड़ी यवन और जिबूती में है। कुक तस्मान सागर और प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड में है। और मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर, मोजाम्बिक मेडागास्कर। और नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर आयरलैंड एवं इंग्लैंड में है। टॉरेंस अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में है। बोस्पोरस और काला सागर एवं मरमरा सागर तुर्की में है। डेविस बेफी खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर लेबराडोर और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा में है। मैगलन जो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर चिली में है। मक्कासर जो है जावा सागर एवं तेलीबीज सागर में स्थित है, इंडोनेशिया है। लुजोन दक्षिण चीन सागर एवं फिलीपीन सागर, ताइवान लुजोन द्वीप में, तातार जापान सागर और ओखोटस्क सागर रूस में है। डोवर जो उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। डेनमार्क जो त्री अटलांटिक महासागर एंड ग्रीनलैंड सागर में है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड में है। फॉक स्ट्रेट जो है बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी के बीच है, भारत एवं श्रीलंका के बीच। बेरिंग सागर एवं चुकुची सागर जो है ये रूस और अलास्का के बीच है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर स्पेन और मोरक्को के बीच है। और कोरिया जापान सागर और चीन सागर में, दक्षिण व जापान व दक्षिण कोरिया में है। और डार्डेन जी रीज एजियन सागर मरमरा सागर तुर्की में है। बास जो है दक्षिण महासागर एवं तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया में है। सुसीमा जो है पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर जापान एवं दक्षिण कोरिया में है। सुगारू जापान और प्रशांत महासागर जापान में है। फोबिक्स प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर न्यूजीलैंड में है। हडसन अटलांटिक सागर एंड हडसन की खाड़ी कैनेडा में है।
और बेले आइले अटलांटिक महासागर एंड एवं सेंट लॉरेंस की खाड़ी कनाडा में है, और हरमुज जो है ओमान की खाड़ी एवं फारस की खाड़ी, ओमान एवं संयुक्त राज्य अमीरात एवं ईरान में है, लोमबॉक जो है जावा सागर, हिंद सागर, इंडोनेशिया, बाली एवं लोमबॉक द्वीप में है। ठीक है, अब क्वेश्चन करें तो मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में मलेशिया से अलग करती है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं? तो किए जा सकते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच, भू संधि जलमंडल मध्य के पार नई नहर खोल कर भारत और एशिया के बीच नौ संचालन प्रारंभ की जा सकते। पहला गलत है, सियाम खाड़ी अंडमान सागर के बीच भू संधि जलमंडल मध्य के आर पार अपार नई नहर खोल कर तो दूसरा सही है। कौन से जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो वो जिब्राल्टर करती है यूरोप को अफ्रीका से अलग। ठीक है, हरमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जलमंडल मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलमंडल मध्य। निम्नलिखित में से किस जल एशिया को अमेरिका से, हाँ निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीतिक महत्व अधिक है? तो वह स्वेज नहर का। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलमंडल मध्य है वह है बेरिंग, और जिब्राल्टर इंडोनेशिया, और उसका यहाँ पर देख लीजिए जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका यूरोप के मध्य, मलक्का इंडोनेशिया मलेशिया के बीच, बेरिंग एशिया अमेरिका के बीच, हारमोज फारस खाड़ी और ओमान खाड़ी के बीच। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। निम्नलिखित जलमंडल मध्य में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है डोवर जलमंडल मध्य द्वारा? डोवर जलमंडल मध्य जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। अगला, पाक खाड़ी किसके बीच है? तो वह है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। पाक जलमंडल मध्य किनके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। फारस की खाड़ी की सीमा नहीं बनाती है वो ओमान से, बाकी बहरीन कुवैत और इराक से बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सागर फारस की खाड़ी का समुद्र तटीय देश नहीं है? तो वह है ओमान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वह है बथोनिया की खाड़ी फ्रांस, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना, कार्पेंटेरिया की खाड़ी कनाडा, टोकिंस की खाड़ी वियतनाम। तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जोड़ती है बाब अल मंदेब। और लोमबोक जलमंडल मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो वह बाली एवं लोमबोक के बीच। फिर नेक्स्ट, अब हम करेंगे नहरें। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। स्वेज नहर मिस्र के इस्थमस आप स्वेज में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किमी थी, जो 2015 में इसकी कुल लंबाई लगभग 93 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 17 नवंबर 1969 को जहाजों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। मिस्र में 26 जुलाई 1956 को इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तवेफीक बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई, और स्वेज नहर की विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर को बनाने में फ्रांसीसी इंजीनियर फॉर्डिनेस द लेसेप्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के जलमंडल मध्य को काटकर बनाई गई ये प्रमुख जहाजी नहर है। अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर जोड़ती है। वर्तमान में इस नहर का पनामा देश का अधिकार है। स्टालिन नहर बाल्टिक सागर ओनेगा झील को जोड़ते हुए आर्कटिक सागर रफे सागर से जोड़ती है, और राइन मेन डेन्यूब नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस नहर जो है महान झीलों एवं अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में जलमार्ग द्वारा समुद्री जहाजों का आयात होता है। तो यहाँ पर है स्वेज नहर मिस्र में है, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ रहा है, पनामा पनामा में प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है, बेलेंड कनाडा में ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ रही है। ईरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में ईरी झील और हडसन के मध्य है। सू जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर ह्यूरान के बीच है। कील जो है जर्मनी में बाल्टिक सागर उत्तरी सागर के मध्य है। न्यू वाटर वे नीदरलैंड में उत्तरी सागर एंड रॉटरडेम के मध्य है, और उत्तरी सागर नीदरलैंड एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के मध्य है। गोटा स्वीडन गेटनमार्ग और स्टॉकहोम के मध्य है। वोल्गा डॉन जो है रूस वोल्गा ग्रॉड एवं सिमिलियांस जलाशय के मध्य वोल्गो डोनस्क के पास स्थित है। अल्बर्ट जो बेल्जियम एंटवर्प और लीक के मध्य है।
ठीक है, आपका क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर के दो सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं? तो पोर्ट सईद और स्वेज है। स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिम देशों में दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नीचे दिए गए पुट में सही उत्तर का चुनाव करें तो ए ही होगा। कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो वह है स्वेज नहर। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की दूरी समुद्र में कितनी कमी आई है? तो वह आई है 70,000 7,000 किलोमीटर की कमी आई है। मुंबई कहाँ जाने से के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? स्वेज तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई स्वेज बंदरगाह की यात्रा में स्वेज नहर को नहीं पार करना पड़ेगा, क्योंकि स्वेज बंदरगाह स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं महासागर को। सू नहर जोड़ती है किसको? ये है सुपीरियर हुरान को। अगला है निम्नलिखित देशों में से कौन सा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के रूप में निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो वह है निकारगुआ। कील नहर किन्हें जोड़ती है? तो कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का प्रचालन जलपास पद्धति द्वारा किया गया? तो विकल्प में पनामा नहर, डेन्यूब नदी, राइन नदी और पलास जल प्रवाह पद्धति का प्रयोग किया गया, जबकि स्वेज नहर में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो है लुडविग्स नहर। और मिलान करना है तो कील नहर किसको जोड़ती है? तो कील नहर जोड़ती है एल्ब ज्वारनदमुख और बाल्टिक सागर को। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरान को। और पनामा जोड़ती है अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को, स्वेज भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो हो गया ऑप्शन ए। और स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा में झीलों का सही क्रम क्या होगा? तो उसका होगा लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बीकर लेक और लिटिल बीटर लेक। ठीक है, विश्व के प्रमुख बांध। तो ठीक है, प्रमुख बात को हम करेंगे आज ही कर लें कि नेक्स्ट वीडियो करें? आज होगी 26 तारीख, आपको जल्दी से कंप्लीट करवाना है मुझे ये। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना बर्डन लेना क्या फायदा, जब आपको याद ही नहीं हो पाएगा तो पहले याद करिए। मुझे लग रहा है बांध को पूरा कर देना चाहिए। चलिए बांध को पूरा कर देते हैं सर। बांध एक अवरोधक है जिसके द्वारा जल के प्रवाह को रोककर जलाशय का निर्माण किया जाता है। जैसे ब्राजील और पराग्वे दोनों अमेरिका के सीमा पर पराना नदी पर, ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर इतेपू नामक स्थल निर्मित इतेपू बांध ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह के बहुत सारे बांध है। यहाँ पर देखेंगे रोंगून जो है बांध का नाम है, देश है तजाकिस्तान में है। सुवांग गियांग चो तो चीनई में हो सकता है, जिनपिंग भी चीनई में हो सकते हैं, नूरेक तजाकिस्तान में है और ताजिकिस्तान में, लियांग के गहे को चीन में है, चियाओ वान चीन में है, जीली ओदू चीन में है, ग्रांड डिक्सेंस स्विट्जरलैंड में है, बाई हितान जो चीन में, बख्तियारी ईरान में है, दिया मेर भाषा पाकिस्तान में, इंगूरी जॉर्जिया में है, सुफेली तुर्की में है, मैनुअल मोरेना टॉरेस मैक्सिको में है, नियो दाजू चीन में, टिहरी जो भारत में है। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांध में से एक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दो देशों की वह संयुक्त परियोजना है? तो वह है ब्राजील और पराग्वे की। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया वह जिया झोंग खाड़ी पर चीन के। और अगला है कोलोरेडो नदी बांध किस उस पर कौन सी बांध है? तो हूबर बांध है। दामोदर पर कौन सी बांध है? पंचेत हिल। और नील पर कौन सी बांध है? तो वो है असवान और जम्बेजी भी करीबा। तो ऑप्शन हो गया डी। दो बार क्वेश्चन पूछा है कोलोरेडो, हुबर, दामोदर, पंचेत हिल, नील, असवान, जाम्बेजी, करीबा। करीबा बांध है कहाँ पर? तो वह जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, असवान उच्च बांध स्थित है तो वह स्थित मिस्र में। और जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण का करना प्रारंभ किया वह स्थान कौन सा है? वह चांग माओ है। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? ग्रैंड कूली, कोलंबिया, हूवर, टनेसी। तो हूवर जो है बांध जो है कभी ब्लाउडर बांध के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका राज्य एरिजोना और नेवादा की सीमा के बीच कोलोराडो नदी के ब्लैक कैनियन में अवस्थित है। बाकी नूरेक बक्स में है, कोहरा जाम्बेजी में है। प्रवाल भित्ति, अभयनिष्ठ प्रवाल भित्ति। तो अंतर सागरीय रूप से प्रवाल भित्ति को अधिक जैव विविधता के कारण सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल भित्तियों के निर्माण में सागरी जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के समेकन अस्थि पंजर समेकन का संयोजन होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण सर्वाधिक करके मकर रेखा के मध्य रूप से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी दशांशों के बीच होता है। किसी द्वीप स्थलों के कोरल द्वीप जो है 0.8 से 0.16
क्षेत्रफल पर आच्छादित होते हैं। तो लेकिन कुछ समुद्री प्रजाति का कम से कम 25% भाग यहीं प्राप्त होता है। जंतु प्रवाल जिसे पॉलिप कहते हैं द्वारा बनाई जाती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ, चलिए क्वेश्चन करते हैं। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, 30 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यह है क्वींसलैंड पर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित किस देश के तट पर स्थित है? तो है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज क्षेत्रों में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक संख्या में जंतु संख्या के परपोषण करती हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। आडू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो वह है भारतीय महासागर में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वायुमंडल। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।